नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला हरियाणा में पहली बार लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आज यानी बुधवार से तुरंत प्रभाव से प्रदेश की सभी प्रकार की रजिस्ट्रियां और ट्रांसफर डीड बंद कर दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में 15 अगस्त 2020 तक रोक लगा दी गई है। सरकार ने दलील दी है कि रिवेन्यू विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। सरकार के इस आदेशों से लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने 15 अगस्त तक डीड ट्रांसफर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार तक डीड में गड़बड़ी होने की शिकायतें पहुंच रही थी, इसलिए अब नई टेक्नोलॉजी के तहत डीड होगी। फिलहाल डीड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रोकी गई है। राजस्व विभाग के एसीएस विजय वर्धन के अनुसार अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत शहरी क्षेत्र की आने वाली जमीन की डीड 5 अगस्त तक नहीं होगी, जबकि इसी एक्ट के सेक्शन 7 के तहत आने वाली जमीन की डीड 15 अगस्त तक नहीं की जाएगी। इसीलिए विभाग की ओर से सभी ई अपॉइंटमेंट भी रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि जिस जमीन की खरीद फरोख्त के एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है वह जारी रहेगी। विभाग की ओर से उन ई स्टाम्प की अवधि 30 दिन और बढ़ा दी गई है। बताते चले कि सरकार ने प्रदेश में 22 जुलाई से रजिस्ट्रियां बंद कर दी है। 5 अगस्त तक नगर निगम और नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 अगस्त तक सिर्फ वही रजिस्ट्री होगी जिसका सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है और जिसकी तारीख 15 अगस्त के बीच है। 6 अगस्त से नगर निगम एरिया की रजिस्ट्री होगी। 21 जुलाई तक जारी टोकन रद्द कर दिए गए। आगे जब रजिस्ट्री शुरू होगी तो जिनके टोकन रद्द होंगे उन्हें विरयता दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले को लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 22 से 29 जुलाई तक कोई भी ट्रांसफर ऑफ डीड नहीं होगा, लेकिन 5 अगस्त तक सिर्फ उनकी रजिस्ट्री होगी जिनमें सेलर और बायर के बीच सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। जिन्हें 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय मिला था, सिर्फ ऐसे केस में डीसी से परमिशन के बाद रजिस्ट्री होगी। 5 अगस्त तक निगम और हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 में नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य में भूमि के हस्तांतरण के लिए कार्यों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके चलते सरकार ने प्रदेश में 22 जुलाई से रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। हरियाणा के किसी भी हिस्से में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। पहली बार राज्य सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और संबंधित सभी उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.